अंधता। मैं लड़ूंगा तेरे खातिर जहां भी चाहे जाए, तेरे दामन पे मगर एक दाग न लगने पाए। भस्म हो जाऊं भले मैं आज न तुझ पे आए, तोड़ दूंगा वो दीवारे तुझे जो कैद करे। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। जाती हो तुम, कोई बात नहीं, इस बार मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी। हटा, मुझे बहु, अरे पानी पानी लाओ कोई। उठो, नब्ज नब्ज चल रही है, जिंदा है बहू, पानी लाओ। बहुदी बहुदी बहू को वैद्य जी के पास लेके जाओ। अरे देख क्या रही हो, उठाओ मालकिन को लेके जाओ, जाओ ना। शक्ल क्या देख रहे हो, उठाओ उठाओ, छोड़ो मुझे। वंदिता वंदिता तो बचकर बाहर आ गई, लेकिन उसे बचाते बचाते उसका पति बाबू तो अंदर ही रह गया, और इतने समय तक बाहर नहीं आया, इसका मतलब तो यही होगा कि वो घुट के अंदर ही मर गया। मेरा तो मतलब पूरा हो गया। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध मर गया, मर गया अनिरुद्ध। इसी के साथ साथ वंदिता की सारी खुशी भी मर गई। आज के बाद वंदिता कभी नहीं हंसेगी, जिंदा होकर भी पल पल मरेगी वो। जैसे मैं रोई हूं वैसे वो भी खून के आंसू रोएगी। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध,
अनिरुद्ध बेटा तू तू जिंदा है? तू तू ये कौन है? सौरभ सौरभ तुम्हारी तो कलकत्ते की ट्रेन थी ना? हाँ। यहाँ कैसे? मुझे बट्टूक ने बताया कि आप यहाँ हो और आप मुसीबत में हो, मैं कैसे जा सकता हूँ? देखिए समय नहीं है, आप इधर ढूंढिए, मैं वहाँ ढूंढता हूँ छोटी मालकिन को। ठीक हो ना? अंधता को ढूंढो सौरभ। अरे बाबू दिए, काफी धुआं जा चुका है आपके छाती में। पहले आपको बाहर छोड़ता हूँ, फिर छोटी मालूम का ढूंढते ढूंढते है ना। अंदर है सौरभ, अंदर चलो, मुझे अंधता को बचा बचाना है। अंधता को सर, आप चिंता मत कीजिए अनिरुद्ध बाबू, मैं बचाऊंगा ना छोटी मालकिन को। बस आपसे एक विनती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा कीजिए आप संपूर्ण का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि वो खुश रहे। तो कुछ नहीं होगा सौरभ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन मैं आपको बचा लूंगा, चलिए। सौरभ ने अपनी जान दे दी मेरे लिए, वो पिता की सौरभ आके खोलो, देखो तुमने मुझे बचा लिया, तुमने गोंदता को बचा लिया सौरभ, बचा लिया तुमने सौरभ, आंखें खोलो देखो ना सौरभ। अभी तो सफर शुरू हुआ था मेरे दोस्त, फिर बीच रास्ते में तुमने साथ क्यों छोड़ दिया मेरा? बताओ ना मुझे सौरभ, कहो मुझसे, हमने साथ में कितने सपने देखे थे ना, उन सपनों को एक साथ पूरा करना था ना हमें, मंजिल पर पहुंचने से पहले तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा मेरे भाई? कुछ कहो ना, बताओ सौरभ क्यों गए तुम? सौदामिनी, आज अगर मेरा दोस्त मरा है तो उसका कारण तुम हो।
और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर गलती की सजा तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जिस तरह मेरा दोस्त सौरभ तड़प तड़प कर मरा ना, तुम भी उसी तरह तिल तिल मर कर जी। मेरे दोस्त की कातिल हो तुम सौदामिनी, और मैं तुम्हें सजा दिला कर रहूंगा। छोड़ो अनिल, छोड़ो मुझे। मिसेस ग्रीनवुड, आप यहाँ? प्लीज बचाइए मुझे, ये पागल मारना चाहता है मुझे। हाँ मैं पागल हूँ, क्योंकि इसने मेरे दोस्त का खून किया है। इसके वजह से मेरे दोस्त की जान गई है। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए ना आपको? यहाँ खड़ा हर इंसान गवाही देगा, पूछिए किसी से। इंस्पेक्टर साहब, सब गाँव वालों ने देखा है, इसी लड़की ने मेरे अनिरुद्ध और मोहिता की जान लेने की कोशिश करी, यहाँ तक सौरभ को तो मार ही दिया इस लड़की ने। हम सब के अलावा और कोई सबूत भी चाहिए आपको? गिरफ्तार कर लो इन्हें। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है अनिरुद्ध, और ना ही मैंने हार मानी है। इसलिए जब तक जिंदा हूँ तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हारी हर खुशी को स्वाहा करूंगी। अनिरुद्ध, बांधता हवेली जाना होगा मुझे। उन्होंने कहा तो था कलकत्ता पहुंचकर हवेली वाले टेलीफोन में वो बात करेंगे। माँ, मैं हवेली पे बकरी का दूध दे के आऊ, और कोई भी काम होगा तो करके आऊंगी वहां पे। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा विराज, पति के जाते ही पांव नहीं टिक रहे हैं बहू के घर में। अरे देखो क्या हो गया मुंशी जी, अरे जल्दी बाहर आइए मुंशी जी, देखिए तो। वैद्य जी, ठीक तो है ना हमारी बहू? देखिए अगले 2 घंटे में होश नहीं आया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन्हें बचाना। अरे तो कुछ कीजिए ना वैद्य जी। इस समय तो आपकी बहू जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, होश आने पर ही दवा दे सकते हैं इन्हें। भाई मेरे ख्याल से हमें अनिरुद्ध को बुला लेना चाहिए। बांधिता को बचा लिया, पर अपनी जान कुर्बान कर दी मेरे दोस्त। विराजमा क्यों रो रहे हो? ऐसे सौरभ सौरभ चिल्ला के क्यों रो रहे हो आप लोग? ये सौरभ नहीं है। अरे वो तो कलकत्ता गए हैं ना।
उन्होंने कहा था कि वो टेलीफोन करेंगे, मेरे बारे में भी पूछेंगे। आप लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों रो रहे हो आप लोग। आप यहाँ क्यों खड़े हैं ऐसे? चमन बाबू बताइए ना सबको कि ये आपका दोस्त नहीं है, बताइए ना सबको। पता नहीं सब क्यों रो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। जमाई बाबू ये मेरे पति नहीं है। जमाई बाबू आपको देख रहा है ना, आपने दिलवाया था ना उन्हें कलकत्ता में नौकरी, इसीलिए तो गए हो वहाँ पे। काश मुझसे मिलने नहीं रुका होता तो आज जिंदा होता मेरा भाई, जिंदा होता तुम्हारा पति। क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहे। वो एक हफ्ते के लिए मेरा पति कलकत्ता गया है, वो एक हफ्ते बाद आ जाएंगे और मुझे साथ लेके जाएंगे। मैं अपना कपड़ा सामान सब बांध के आई हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तुमने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था। वो ऐसे वादा नहीं तोड़ सकते जमाई बाबू। आप कहिए इन सबको कि ये सौरभ नहीं है, ये नहीं है मेरे पति का। ये ना जमाई बाबू, जमाई बाबू नहीं है वो, कहिए मेरे। निकल जाओ, जमाई बाबू कहो चल अंदर। उठ जा बेटा, कहा तुझसे मत जा, नहीं सुनी मेरी बात। छोटे मालिक चलिए ना घर पर, वह जी कह रहे हैं छोटी मालकिन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनकी जान खतरे में है मालिक, चलिए ना जल्दी। वंदिता बहू बेटा पानी पी लो। आंखें खोलो ना बोलता। अनिरुद्ध वैजी ने कहा है कि अभी 2 घंटे बहुत मुश्किल है बोलता के लिए, कह रहे हैं कि बहुत कम उम्मीद है बचने की। नहीं बाबा, कुछ नहीं होगा बोलता को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा बोलता, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, नहीं जाने दूंगा तुम अपने आप से। तो ये तो करना हमारे अनिरुद्ध के विश्वास की लाज रखना। माँ बोंदिता की जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी ना, तो आप बोंदिता को मुझसे दूर क्यों करना चाहती हैं? क्यों छीनना चाहती हैं आप बोंदिता को मुझसे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती माँ, बोंदिता को नहीं छीन सकती हमसे। दुर्गा माँ सौरभ ने अपनी जान दे दी बोंदिता को बचाने के लिए, सौरभ के बलिदान को बेकार जाने नहीं दे सकती आप माँ। आपको बोंदिता को ठीक करना ही होगा, उसे अच्छा करना होगा आपको। एक माँ अपनी बच्ची को ऐसी हालत में कैसे देख सकती है? आपको बोंदिता को हमें लौटाना होगा दुर्गा माँ।